माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का टाइटल है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम टॉपिक पढ़ाएंगे राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, इरिगेशन सोर्सेज इन राजस्थान। राज्य में 1951 में सकल सिंचित क्षेत्र विद्यार्थियों 11.7 लाख हेक्टेयर था, जो 1996 में 63.61 लाख हेक्टेयर हो गया। राज्य में जो सिंचाई के स्रोत है उसमें कुएं और नलकूपों द्वारा 63% हिस्सा सिंचित होता है और लगभग 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी 33% क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित होता है और 4% भाग तालाबों द्वारा विद्यार्थियों सिंचित होता है। इस तरह से 100% जो भाग है वो सिंचित होता है। नलकूपों और कुओं द्वारा 63% और नहरों द्वारा 33% और तालाबों द्वारा 4% सिंचित क्षेत्र होता है राजस्थान के अंदर। ये आपके सामने मैप दे रखा और उसमें सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, उनको दिखा रखे हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थियों बात करते हैं नहरों की। स्वतंत्रता के बाद राज्य में नहरों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है बहुत सीमित था, लेकिन जब 1956 में राजस्थान राज्य का जब निर्माण हुआ तो राज्य में अनेक नदियों पर बांध बनाए जाने लगे और नदियों द्वारा सिंचाई की जो व्यापक व्यवस्था है उसको करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में पड़ोसी राज्य में भी कुछ हिस्से में जल प्राप्त किया गया और उसको सिंचाई के कार्यों में प्रयोग में लाया गया। 1960 में जो सकल सिंचित क्षेत्र है वो 25% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 22.9% नहरों द्वारा ही सिंचित था। धीरे धीरे इसको बढ़ा करके और लगभग 30% और वर्तमान समय में इसको बढ़ा करके 33% तक लाया गया है। राज्य की जो प्रमुख सिंचाई नहरें हैं उसमें इंदिरा गांधी है, गंग नहर है, भाखड़ा नहर है, भरतपुर गुड़गावा नहर, चंबल माही नदी घाटी परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, जाखम परियोजना। इनके दाई और बाई, जाखम की जो दाई और बाई नहरें हैं, इसके अतिरिक्त राज्य में 3054 बंदों से भी सिंचाई नहरें निकाली गई है और राज्य में नहरों द्वारा जो सिंचित है वो लगभग 27% इंदिरा गांधी नहर द्वारा, 20% तक भाखड़ा नहर द्वारा, 18% गंग नहर द्वारा, 16% चंबल द्वारा, 18.8% अन्य नहरों द्वारा जो एरिया है वो सिंचित किया जा रहा है। राजस्थान में जो नहरें हैं उनका सर्वाधिक सिंचाई है उत्तरी जिलों में, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे कोटा, बूंदी और बारा में होती है। राज्य में नहरी सिंचाई का 36% गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर आदि में होता रहता है। ये जैसा कि विद्यार्थियों आपके सामने सारणी दी गई है, यानी राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जिलों जो अरावली प्रदेश के अंतर्गत आते हैं इनमें धरातली विषमता के कारण नहरी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कम हुआ है। नहरी सिंचाई से राज्य के जो कृषि क्षेत्र है उत्पादन है प्रति हेक्टेयर उपजाऊ में वृद्धि हुई है, साथ ही जो व्यावसायिक फसलें हैं उनके उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिला है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में जल स्तर को ऊंचा उठ जाने से विस्तृत क्षेत्र में दलदल थोड़ा विकसित हो गए हैं, और जैसे यहाँ पर जो सैम की समस्या है, लवणीय मिट्टी की समस्या प्रमुख रूप से देखने को मिली है। फिर है विद्यार्थियों तालाब, प्राकृतिक रूप से भूमि के निचले भाग अथवा गर्त, वर्षा का जल जहाँ पर इकट्ठा होता रहता है उसे तालाब कहते हैं। मानव द्वारा तालाबों का निर्माण किया जाता है जहाँ दो अथवा दो तीन ओर से प्राकृतिक रूप से जो भूमि ऊंची होती है, ताकि एक या दो और पाल बांधने से तालाब बन जाता है। राज्य के जो दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण दक्षिणी पूर्वी जिलों में तालाब बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उपलब्ध है। फलत राज्य के तालाबों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र पर 80% क्षेत्र जो उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद, टोंक, कोटा और पाली जिलों में है। इनके अतिरिक्त तालाबों द्वारा जो सिंचाई अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर जिलों में होती है। इन सभी जिलों के तालाबों का जल पुनर्भरण द्वारा होता रहता है। यही कारण है कि तालाबों द्वारा जो सिंचाई क्षेत्रफल में कमी तथा बढ़ोतरी वर्षा की मात्रा से जुड़ी हुई है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में वर्षा की तुलना में वाष्पीय नदी को तालाब द्वारा सिंचाई नहीं होती है। फिर विद्यार्थी नेक्स्ट इरिगेशन का सोर्स है सिंचाई के स्रोतों में कुएं और नलकूप। प्राचीन समय में राज्य में कुओं द्वारा सिंचाई का जो विशेष महत्व रहा है। राजस्थान में कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई के प्रमुख साधन, और इनसे जो लाभ होता है वो निम्न प्रकार से है। कुओं से नियमित सिंचाई के लिए जल उपलब्ध रहता है, फलस्वरूप किसान एक खेत में एक वर्ष से दो से अधिक फसलें उगाता है। किसान को स्वयं परिश्रम कर कुओं के चरस रेट द्वारा वहाँ पानी बाहर निकालना पड़ता है, अतः सिंचाई हेतु जल का मितवी उपयोग हो जाता है। कुओं से सिंचाई करने में किसान को दूसरे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। कुएं के पानी में कई रासायनिक तत्व जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फर आदि घुले रहते हैं, जो फसलों के लिए पोषक तत्वों के रूप में काम करते हैं। विद्यार्थी हम बात करें 1960 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र पर 58.8% था, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 54.46% कुओं द्वारा होता था। वह बढ़कर के 1996 में 62.72% और 66.76% हो गया है। यानी कुओं द्वारा उत्पादन में चार गुना सिंचित क्षेत्रफल बढ़ गया, जो 7.87 लाख हेक्टर था वो बढ़कर के 35 लाख हेक्टर हो गया है। राज्य में जो कुओं द्वारा जो सिंचाई है वो सर्वाधिक रूप से जयपुर है, दौसा, अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर जिलों में होती है, और राज्य के इन जिलों में कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 38% क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी हम ये कह सकते हैं कि कुओं द्वारा जो सिंचाई है वो राजस्थान के अनेक भागों में की जाती है, और इन विशेष करके जो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर जो जिले बताए हैं, यहाँ पर 6 मीटर से 12 मीटर की गहराई पर जल मिल जाता है। अतः कुओं से सिंचाई करने में जो सुविधा है रहती है, और इस बात से इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो काफ़ी मुलायम और जलोढ़ है। वार्षिक वर्षा का औसत भी यहाँ अच्छा रहता है इन जिलों के अंदर। पानी के रिस्क कर पानी अंदर प्रवेश करने की क्षमता भी अधिक रहती है, और यही कारण कि इन जिलों में आसानी से कुएं खोदकर सिंचाई के द्वारा जल प्राप्त कर लिया जाता है। पिछले कई वर्षों से राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने का प्रचलन बढ़ा है, और नलकूप में मशीन द्वारा भूमि में छिद्र बनाकर गहराई तक जल को जेट अथवा समर्सिबल पंप द्वारा धरातल तक लाया जाता है, अतः नलकूप के लिए ये आवश्यक है। विद्यार्थियों, भूतल के नीचे विशाल, बड़ा और मिट्टी उपजाऊ है, और सिंचाई की दिक्कत से हो सके इसलिए नलकूपों का जो सर्वोदय प्रयोग किया जा रहा है, और वर्तमान समय में हम नलकूपों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है वो ज़्यादातर भरतपुर, अलवर, धौलपुर जिलों में होती है। इसके अलावा नागौर जिले में भी अधिक मात्रा के अंदर नलकूप खोदे गए हैं। नलकूपों से सिंचाई की जो सर्वाधिक महत्व है वो पश्चिमी जिलों में है, या बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर और जैसलमेर जिलों में भी नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। इन जिलों में भूमि का जो जल का स्तर है वो 60 से 120 मीटर की गहराई पर है,
बीकानेर और जैसलमेर जिलों में भूमि के नीचे मीठे जल के विशाल भंडार लाठीक्रम की चट्टानों में विद्यमान है और इस तरह जल का उपयोग सिंचाई तो नलकूपों द्वारा किया जाता है। यानी कुल मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। थैंक यू।